चलिए अगली बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भरतनगर से, जहां पर चार मंजिला जो इमारत गिरी थी उसमें पांच बच्चों के मरने की खबर आई है। पांच बच्चों का शव वहां से निकाला गया है, आपकी जगह चार बच्चों की मौत हो गई है। एमसीडी ने इस बिल्डिंग को कमजोर घोषित कर रखा था, लेकिन बावजूद इसके लोग वहां रह रहे थे। बिल्डिंग एक पुराने पेड़, आपको बता दें कि दिल्ली में सावन पार्क बिल्डिंग गिरने का यह पूरा मामला है, जहां पर चार बच्चे और एक महिला की मौत हो गई है। मलबे के नीचे दबे हुए थे लोग, जिनमें से जिससे इनको निकाला गया। बिल्डिंग एक पुराने पेड़ के सपोर्ट से टिकी हुई थी। एमसीडी ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर ना रहें, इस बिल्डिंग को कमजोर घोषित किया गया था, लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ रह रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जतिन। जतिन, जब पहले ही यहाँ पर एमसीडी ने घोषित कर रखा था कि ये कमजोर है बिल्डिंग, तो यहाँ पर लोग क्यों रह रहे थे? जी देखिए, एमसीडी पिछले कई महीनों से इस मकान को नोटिस जारी कर रही थी, जिसमें इस मकान की जर्जर हालत होने की वजह से खाली करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस मकान का जो मालिक था वो कुछ दिन पहले घर खाली करके चला गया था, लेकिन ऊपर जो किराएदार रह रहे थे वो अभी भी इस मकान में रह रहे थे, और एक पेड़ था उसकी सपोर्ट से मकान जो है वो टिका हुआ था। अब जब आज इमारत गिरी है तो उसके अंदर करीब 20 के आसपास लोग, ये आकलन किया जा रहा है कि वो फंसे हो सकते हैं, जिसमें से 12 लोगों को अभी बाहर निकाला गया है, जिनमें चार बच्चे एक महिला को ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। हालांकि फायर डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है, डॉग स्क्वाड की भी मदद की जा रही है ताकि पता लग सके कि मलबे के नीचे कितने लोग रह रहे हैं। एमपीडी ने साफ कह दिया है कि पहले से ही वो नोटिस जारी कर रहे थे, लेकिन जो किराएदार थे उनका कहना था कि मकान मालिक लगातार इस बात का आश्वासन देता था कि मकान नहीं गिरेगा, और आज उससे उल्टा ही देखने को मिला कि मकान जो है वो ढह गया है। तीन मंजिला ये इमारत है, ग्राउंड फ्लोर को मिला के चार जो फ्लोर इसमें बने हुए थे और किराए पे सारे मकान चढ़े हुए थे। अभी तक जो जानकारी मिली कि तीन से चार फैमिली यहाँ पर रह रही थी। 12 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया, कितने लोग और अंदर हो सकते हैं इसको लेकर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी